आज जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चलेंगे एंड दैट बेसिक जो होता है इंग्लिश का, उसमें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को बेसिक माना गया है। जैसे आप देखते हो हिंदी के बुक्स उठाओ, आप देखोगे नाउन यानी कि उसमें देखोगे संज्ञा से शुरू होता है, यानी जब भी आप हिंदी के ग्रामर उठाओगे उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको संज्ञा दिखेगा, लेकिन इंग्लिश के चैप्टर उठाओगे ना तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो दिखेगा वो वर्ब दिखेगा। उसका कारण क्या है कि जब अंग्रेज कुछ बोलते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि जो बोलना है उनको, जो बताना है, बात करनी है, उसको वो क्या करते हैं, वो वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। लाइक दे आस्क द चिल्ड्रेन स्माइल, राइट? वो क्या बोलते हैं बच्चे को खुश करने के लिए, स्माइल, मतलब क्या, उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। सी व्हेन दे टॉक टू अ चाइल्ड दे यूज द वर्ब देयर। और हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पहले शुरुआत करते हैं, उसे कोशिश करते हैं वो माँ बोले, तो हम लोग संज्ञा पे जोर देते हैं। रिमेंबर वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स ज्यादा मायने नहीं रखता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट मायने रखता है। इसीलिए हम लोग कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप देखोगे अराउंड 6 months टाइम लगेगा, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, आपको पकड़ना, आपको सीखना आ जाएगा कि हाँ कैसे, कहाँ पे क्या गलत है, और लॉजिक भी समझ में आएगा। ध्यान रखो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी रूल्स है, रूल्स क्यों बने हैं वो भी मैं बता दूँ। आप इंग्लैंड में बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, दोनों जगह के लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ का इंग्लिश देखो तो उनका एक्सेंट प्रोनंसिएशन थोड़ा अलग होता है, अमेरिका का देखो तो थोड़ा अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का लैंग्वेज एक होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर एक बुक बनाया गया। क्यों? कि यहाँ भी इंग्लिश है उधर भी इंग्लिश है, तो कम से कम एक कोई पैटर्न तो बने जो बोला जा रहा है उस लैंग्वेज का, कोई कंप्लीट पैटर्न तो हो कि हर जगह के लोग उसी को फॉलो करें। यानी अगर यहाँ का व्यक्ति कोई दूसरी जगह गया तो उसका एक्सेंट प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तो सही हो, अरे एक ही हो। इसीलिए हर भाषा में एक ग्रामर बनाया गया, और ग्रामर कुछ नहीं है, ग्रामर लॉजिक पे बेस्ड है। लॉजिक पे आओगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वर्ब। अब आ जाओ जो आपका सिलेबस की बात करूं मैं, तो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एक है वर्ब। उसका रीजन क्यों है, सबसे पहले आ जाओ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंपॉर्टेंट है, वर्ब की बात इसलिए मैंने की क्योंकि देखो वर्ब टेंस, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन टैग, देन सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस, देन नरेशन। और ध्यान देना, हम वर्ब के दो पोर्शंस पढ़ेंगे, वर्ब बेसिक एंड वर्ब का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे एडवांस। ठीक है, इतने पोर्शंस है जो सिर्फ वर्ब पर आधारित है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप सिर्फ मैसेज करते जाइए, जो क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे जरूरी होगा मैं करूंगी आपको, अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है आपको तो टेक्निकल सपोर्ट का टीम आपको कर देगा। आप अपने बातें रखना चाहते हो बिल्कुल रख सकते हो, आप मैसेज करते जाइए। देखिए वर्ब में देखा जाए तो इतने चैप्टर्स रिलेटेड टू वर्ब। अब ये वर्ब एडवांस में आओगे ना, इसमें ये चैप्टर है मूड, देन
causative verb. Inversion. Then infinitive. Gerund. And participle. देखो ये चैप्टर्स है जो वर्ब के एडवांस पोर्शन में आप पढ़ोगे, ठीक है. उसके बाद ध्यान दो, हम लोग जब इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, हम वर्ब को बिल्कुल अकेला एक पार्ट ऑफ स्पीच मान के चलते हैं. इस पर आधारित ये चैप्टर्स है, लेकिन जरूरी नहीं मुझे ये चैप्टर्स के लिए पूरा पूरा वर्ब आना चाहिए. अगर वर्ब के फॉर्म्स भी पढ़ लो आप, तो आप टेंस से शुरू कर सकते हो. वर्ब के फॉर्म्स याद होने चाहिए बस. लेकिन इसके बाद सारे चैप्टर्स अनरिलेटेड हैं, चाहे वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन. ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल अनरिलेटेड है. अब आओ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इंग्लिश में और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आ जाओ, ये एक वर्ब है जिससे रिलेटेड ये सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, ये वर्ब है. उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में आओगे तो सीधा नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, देन प्रेपोजिशन था, आर्टिकल, और एक पार्ट ऑफ और स्पीच है इंटरजेक्शन. यानी अगर पूछो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो 9 है. शुरू में बनाया गया था 8, बाद में कहा गया ठीक है आर्टिकल बाकी भाषाओं में पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में फिर उनको 9 पार्ट ऑफ स्पीच बना दिया गया. ठीक है, अब आओ, ये तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया जिसमें हमें चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं. हमें ये सारे, देखो इंटरजेक्शन तो आपका नरेशन में काम आएगा, उसको छोड़ के चलो, ये 8 हो गया, और उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये जो 15 है उसके भी ये सब पार्ट्स हैं, जो देखा जाए तो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह है, इसीलिए सॉरी देखा जाए तो एक चैप्टर की तरह है, तो इसीलिए वो भी पढ़ना पड़ता है. अब इसके अलावा 2-3 और चीजें हैं ध्यान रखना, वो है हम लोग पढ़ेंगे पैरलिज्म, देन स्पेलिंग्स पढ़ते हैं हम लोग, देन सुपरफ्लुअस पढ़ते हैं. ये सब है ना अनरिलेटेड है, सब शीट्स में कंप्लीट होता है, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है. देन लीगल टर्म्स, ठीक है, ये हमारा पूरा ग्रामर का पोर्शन खत्म हो जाता है. अब आओ हम वोकैबुलरी कैसे करेंगे. वोकैबुलरी के आपके शीट्स होंगे, आपको दिए जाएंगे वोकैब के शीट्स, ठीक है. अराउंड 20 शीट्स हम करते हैं, 20 में सब में 40-45 वर्ड्स है, यानी देखा जाए तो 900 वर्ड्स हो गए, और 900 को मल्टीप्लाई कर लो आप, ऐसे मान लो कि हम एक का 3 ही याद कर रहे हैं, तो 2700 यानी कि अराउंड 3000 वर्ड तो उन शीट से ही हो जाएगा आपका, उन शीट से ही अराउंड 3000 वर्ड हो जाएगा. लेकिन मेरा मानो अभी से ही हम शुरू करेंगे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और सिमेंटिक्स. इन 3 को अगर ठीक से याद कर लो ना, तो मोर देन सफिशियंट वोकैब हो जाता है. हालांकि वोकैबुलरी बीच बीच में आपको बहुत सारे लीगल टर्म्स में भी वोकैब है, ठीक है, सुपरफ्लुअस में भी वोकैब है, स्पेलिंग्स में तो दुनिया भर के वोकैब्स है, तो
वो सब मिला के काफी वोकैब्स हो जाता है। लेकिन अपने कैसे याद करोगे, तो मेरी मानना पहले वॉल्यूम वन खत्म करो, ये खत्म करने में आपको 4 से 5 महीने लग जाते हैं, फिर वॉल्यूम टू और उसके बाद सिमेंटिक्स देखोगे। ठीक है, ये हुए हमारे, देख लो आप, उतार लो इसको कि पहले हमने ग्रामर और वोकैब का लिख के रख दिया। हाँ पूछिए, डार्क मार्क नहीं दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्टिव, नितिन सुनो ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव टियर 3 में आता है और टियर 3 का बैच हमारा अलग से चलता है, और इस बार का अगर डिस्क्रिप्टिव आप खरीदोगे, आप खुद पाओगे कि मैंने पूरा करंट का एक एक टॉपिक कम से कम 500 से 700 वर्ड्स में मैंने टॉपिक्स करवाए। तो इसीलिए आप अगर वॉल्यूम, अगर आप टियर 3 की बात कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव अलग है बेटा। मैं यहां पे जो करवाऊंगी नितिन, वो आपको टियर 2 तक ही कराऊंगी। ओके, और नीचे मोहित, कोर्स की बात जो करोगे ना, कोर्स मेरा 6 मंथ्स लग जाता है कंप्लीट होने में। अगर आपको बहुत हड़बड़ी है तो आप पुराना जो हमारा कोर्स था उसमें भी आप एक्सेस मांग सकते हो उनको, तो आप जल्दी खत्म कर लोगे। ठीक है प्रवीण, देख लो, जब हम बैच जो चैप्टर है हमारा, जब मेरा 5 से 7 टाइम है, जब हो जाएगा थोड़ी देर में वो लोड हो जाता है, फिर उसके बाद सारे चैप्टर्स वैसे ही सेट होते जाएंगे, वो आप कभी भी देख लो। चंद्रशेखर, जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा उस दिन मुझे बताना कौन सा चैप्टर नहीं हुआ, सारे चैप्टर्स होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि मैं, आप, मेरा काम है सिलेबस में क्यों लिख रही हूं पता है, कि अगर पूरा खत्म किए बिना आपका खत्म नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लास चलेगा, इसमें से एक एक चैप्टर आपका होना है, ये जान लो अच्छी तरह से आप। ठीक है, अब आओ, ये तो हो गया हमारा ग्रामर एंड वोकैब। नेक्स्ट आओ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। कुछ ट्रिक्स है सेंटेंस अरेंजमेंट के, वो हम बताते हैं, बाकी प्रैक्टिस करते हैं आप, और कुछ प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको, कुछ आप खुद करोगे। इसीलिए ध्यान रखना कि एक आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा केडी लाइव टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इस केडी लाइव को ज्वाइन कर लेना आप। इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको तो अपने पोर्टल में भी मिलेगा, और पुराने जो मटेरियल अगर देख रहे हैं कि क्या क्या और है, तो आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, सारा दिख जाएगा आपको। साक्षी, रिकॉर्डेड क्लास डिलीट नहीं होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे डिलीट नहीं होता, उसकी एक वैलिडिटी होती है, और फर्स्ट बैच जो हमारा था अभी तक वो भी पड़ा हुआ है उसमें, क्योंकि हम अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स उसको अभी भी देख रहे हैं, तो जब खत्म होगा उसका वैलिडिटी उसके 1 महीना पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, सी पंकज, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड सिमेंटिक्स, ये हमारे बुक का नाम है। मेरा जो एक पहला वॉल्यूम है ना, वो बहुत फेमस बुक है, उसमें पूरा ग्रामर है, और वो इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके कहीं भी ढूंढोगे आप, इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन बाय नीतू सिंह, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है, हम क्या कवर करेंगे, इसका मतलब है इसमें से एक एक चैप्टर आपको हम कंप्लीट करके देंगे, और सारे चैप्टर्स विद असाइनमेंट एंड स्टडी मटेरियल होता है, इसीलिए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे, अभी जैसे बात कर रहे हो वैसे ही मुझसे आप बता सकते हो। और एक चीज और है कि अगर बाय चांस किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना,
कॉल मत करना क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, क्लास में रहती हूँ। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे करना। ऐसे आपका एक सपोर्ट टीम का भी नंबर दिया होगा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। किसी तरह का कोई पर्सनल इश्यू है रिलेटेड टू स्टडीज या कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ देना, जब मैं फ्री होती हूँ तो रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब आओ चले स्कीम ऑफ एग्जाम में। अब आइए देखो, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, व्हाटसोएवर, बताओ ना क्या यूपीएससी के कंपल्सरी इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता है 50 क्वेश्चन, आप जो पढ़ोगे उसमें भी लड़ेगा। असिस्टेंट कमांडिंग में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी लड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो वो सीटेट में भी काम आएगा और एमबीए में भी काम आएगा। यानी हम जो इंग्लिश आपको यहां करा देंगे, जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। अब कई बार बच्चे कहते हैं मैम आपने कनेक्टर नहीं पढ़ाया, भाई जो कंजंक्शन लिखा है वो कनेक्टर है। कई बार बच्चे कहते हैं सिंटेक्स तो कराया ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पढ़ा रही हूं मैं वो सिंटेक्स होगा। कई बार कहते हैं लोग कि डिटरमिनर नहीं कराया, आर्टिकल जो लिखा है ना और एडजेक्टिव का कुछ पोर्शन जैसे पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह वो डिटरमिनर है। इन फैक्ट सब कुछ कराएंगे, इसीलिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के मामले में कभी कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आओ स्कीम ऑफ एग्जाम में। हम चलो हम सबसे अच्छा ले लेते हैं एक ही एग्जाम का स्कीम, जिसमें आप देखोगे सारे कवर्ड हो जाएंगे आपके, वो है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का हम स्कीम ऑफ एग्जाम ले लें, टियर वन का और टियर टू का। देखिए मेरा एक बैच चल रहा है 499 रुपीज में, और वो बैच है पेपर डिस्कशन का। अभी मैं सीजीएल 17 का पेपर डिस्कशन चल रहा है, उसमें करीबन उसमें 30 पेपर डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 सीएचएसएल का किया हुआ है, उसके बाद सारे सीजीएल का है। और उसमें अभी रोज मैं 7 से 7:30, रोज नहीं, आपका जब क्लास होगा ना आपके ठीक के बाद मैं उसमें लेती हूँ क्लास। उसमें आप देखोगे अभी टीयर वन की पेपर डिस्कस कर रही हूं मैं, जो एरर फाइंडिंग होता है, डिटेक्टिंग एरर की बात करोगे आप, देखोगे टियर वन में 2 क्वेश्चन होंगे, टियर टू में मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, टियर वन में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही एरर्स की बात करें तो हम उसको एक कभी कभी खाली एरर ढूंढना रहता है, कभी उसमें हमको इंप्रूव करके बताना है कौन सा बेहतर है, वो भी 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ये भी 2 मार्क्स का होगा। पैसिव वॉइस ये 1 मार्क का आएगा, नरेशन ये 1 मार्क का आएगा, ठीक है। और आप देख लो ये सारा आपको महसूस हो रहा है जो ग्रामर पोर्शन लिखाया था उसी से है। कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आप वो क्या बेस्ड देख लोगे, यानी 7 से 8 मार्क्स का आपका टियर वन आउट ऑफ 25 अगर 8 मार्क्स है, यानी 1/3 तो हो ही गया है ना, ग्रामर बेस्ड होता है, फाइन। अब आ जाओ टियर टू में, डिटेक्टिंग एरर 2 नहीं 20 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 नहीं 20, फिलिंग द ब्लैंक्स 5, पैसिव वॉइस 20 और नरेशन 27 मार्क्स का। देख रहे हो अराउंड 100 क्वेश्चन तो आपके टियर टू में ग्रामर बेस्ड ही है, यानी 1/4 तो पैसिव वॉइस और नरेशन से। और पैसिव वॉइस और नरेशन तब अच्छे से होता है आपका जब आप टेंस पढ़े रहते हो तो देख लो ये शुरू के। अब आइए इतना तो मेरा ग्रामर हो गया, अब आते हैं टियर वन में वोकैबुलरी पोर्शन में
उसको कंपेयर करके देखते हैं टियर टू के वोकैब पोर्शन में। ये सिनोनिम्स की बात करोगे दो है, एंटोनिम्स की बात करेंगे दो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द ये होगा दो, और फ्रेजेस एंड idioms एंड फ्रेजेस की बात करोगे ये दो होगा। स्पेलिंग्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगी आपको, ये करीबन दो होगा। देख रहे हो, यानी ध्यान रखो टियर टू में वोकैबुलरी, टियर वन में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आ जाओ टियर टू में, दो के जगह पे दो ही रहेगा, एंटो भी दो के जगह पे दो ही रहा, इसका मतलब है सिनोनिम एंटोनिम बहुत प्रॉब्लम नहीं करता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दस, फ्रेजेस एंड idioms दस, स्पेलिंग्स दो ही रहेगा। ठीक है, ये आपका वोकैबुलरी का सेक्शन है, जा देखो ध्यान से। ठीक है साक्षी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बस मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर रही हूं पहले। तो अब आओ देखो, ये क्या है ग्रामर बेस्ड, ये क्या है वोकैबुलरी बेस्ड, अब आते हैं रीडिंग बेस्ड। रीडिंग बेस्ड में आ जाओ, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सेंटेंस अरेंजमेंट प्री में दो आता है, उसके बाद क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज में से कोई एक आएगा, वन आएगा, या तो क्लोज टेस्ट आएगा या तो वन या तो पैसेज आएगा, दो में से कोई एक आएगा जिसमें पांच क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, एनी वन। कई बार आप क्लोज टेस्ट देखोगे, कई बार पैसेज देखोगे, हो गया, लेकिन मेंस में सेंटेंस अरेंजमेंट 20 आते हैं। अगर आप क्लोज टेस्ट की बात करोगे तो क्लोज टेस्ट आएंगे 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन एक के, दूसरा भी 10 होगा, यानी 10 ब्लैंक होंगे, एक पैसेज में 10 ब्लैंक होगा, 10 10 और 5 यानी कि 25, और ये पैसेज करीबन आएंगे 6 5 एक में 5 क्वेश्चन होगा तो 30। ये आपका टियर टू का है। अब देखो ये पैटर्न ऑफ एग्जाम है, अब थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन बढ़ा के घटा के क्या होगा, टियर वन 25 क्वेश्चन एंड टियर टू 200 क्वेश्चन, ये रहेगा आपका स्कीम ऑफ एग्जाम। देख लो, सुमित आज 15th है, ठीक है 15th जान है, और आज बहुत शुभ दिन है, मकर संक्रांति है ना, तो इसीलिए निश्चिंत रहो, आप बहुत शुभ दिन पढ़ रहे हो, और मैं आज चाह रही हूं पहले आप सिलेबस डिस्कस करके देख लो, ठीक है, क्योंकि जानते हो क्या है, मैं बीच में कभी भी आपको एकाध क्लास में आपको डिस्कस करती हूँ सिलेबस, रीजन इज आपका जो बैच है ना, जैसे आज एकदम फ्रेश बैच है, उसके बाद क्या होता है कि हम इसको वर्ब में, टेंस में और नाउन या प्रोनाउन में हम रिन्यू करते हैं बैच को। उसका रीजन क्या है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब को छोड़ दो, क्योंकि वर्ब पे बेस्ड हमने सारे बता दिए आपको, नाउन से बिल्कुल अनरिलेटेड हो जाता है। तो निश्चिंत रहो, क्योंकि टियर वन और टियर टू का जब सिलेबस लिखा देते हैं ना, तो बच्चा बिल्कुल एक चीज समझ जाता है कि आज हमने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, इसमें से कुछ भी अगर मैंने छोड़ा है तब आप कह सकते हो कि हाँ मैम ने टाका मार दिया, यानी कि छोड़ दिया, ठीक है, और आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस हम देंगे, इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूं आपका सिलेक्शन इस साल हो जाए। और ध्यान दो, आजकल जो पेपर्स आते हैं, आप बताओ CHSL का जो पेपर हुआ था 2016 में 72 सेट था, है ना, CGL का 43 सेट रहा है 17 का और 16 का, उसके बाद CHSL 2017 देखो तो 68 सेट्स है, तो समझ रहे हो जितना सेट
इसका मतलब है उतने सेट्स यानी कि ग्रामर में कहां से क्वेश्चन देगा कुछ पता नहीं। 2013 में मैं जितना पढ़ाती थी ना, आज उसका 3 गुना ज्यादा पढ़ा रही हूं, क्योंकि सिलेबस तो हमें पता था कि हाँ सिलेबस ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते थे, ज्यादा बारीक क्वेश्चन नहीं होते थे। तभी आपने एक चीज मार्क किया होगा, मेरा वॉल्यूम 1 अगर कभी पहले पढ़े हो आप, उसमें वॉल्यूम 1 में फिर इंप्रूवमेंट करके मैंने 10 चैप्टर्स ऐड किए, क्योंकि 2013 और 2016 के बाद 16, 17, 18 की जो एग्जाम्स हुए हैं ना, जब से ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन हो गया है, तब से उनको ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो ज्यादा ड्रिलिंग क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर वर्ब पे। जरा देखो, मैं वर्ब में आपको 2-3 सेंटेंसेस लिखूंगी, चलो ये देखो। ये 3 सेंटेंसेस देखो, मैंने कहा आई मतलब मैं करने वाली हूं ना, मैं करती हूं ये काम, तो मैं कौन हूं? कर्ता मतलब सब्जेक्ट। जो डूअर होता है किसी भी एक्शन का वो सब्जेक्ट होता है, राइट? मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, आई रन, आई गो, आई स्पीक, आपको सब में एक एक्शन दिख रहा है? जब आपको एक्शन दिखता है वही तो है वर्ब, क्रिया क्या बताता है? काम, यानी एक्शन बताने वाला वर्ड जो है वो वर्ब है। इसका मतलब वर्ब क्या करता है? डिनोट्स एक्शन, हो गया? ठीक है, आई टीच इंग्लिश में आपको एक्शन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं आई नो यू तो कोई एक्शन थोड़ी दिख रहा है। मैं कह रही हूं मैं आपको जानती हूं, आपको कोई फोर्स नहीं दिख रहा ना, एक्शन वाला कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं कहूं आई लव यू तो यहां पर भी कोई एक्शन नहीं है। आई नो यू मेरा मेंटल स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है मेरा कि मैं आपको जानती हूं। देखो मैं किधर से इशारा कर रही हूं, अपने माइंड से मैं आपको जानती हूं। एंड आई लव यू यानी कि आपको अपना इमोशनल अवस्था बता रही हूं, आई लव यू। दिस मीन्स जब एक्शन डिनोट करता है आपको ऐसा एक्शन वाला वर्ड दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अवस्था दर्शाते हैं, वो कह सकती हूं डिनोट्स स्टेट। जैसे अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर तो एम क्या है? वो मेरा स्टेट बता रहा है। आई एम अ टीचर मेरा सोशल स्टेट, सोशल स्टेटस बता रहा है। आई नो यू मेंटल स्टेट एंड आई लव यू इमोशनल स्टेट, ये स्टेट बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो भी वर्ब है, और जो एक्शन बताने वाले वर्ब होते हैं वो भी वर्ब है। अब आओ, ये वर्ब कौन करता है? भाई ये करेगा ना, जो करने वाला डूअर है वो इस एक्शन को करेगा। अब पूछोगे किस पर करेगा, तो ये है जिस पर करेगा, यानी ये जिस पर किया उसको आप रिसिपिएंट कहते हो। रिसिपिएंट मतलब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी पहचान जाओ, कैसे पहचानोगे? मैंने कहा आई टीच, पूछा आपने क्या, मैंने कहा इंग्लिश। मैंने कहा आई लव, पूछा किसको, यू। इसका मतलब है क्या और किसको, क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत तो इसी से होती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या है? आंसर टू व्हाट एंड हुम, क्या और किसको का जो जवाब है। वो ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन है?
सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, कर्ता जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कर्म कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको सकर्मक कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अकर्मक कहते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले तो मैं वर्ब पे कंसंट्रेट करूं, खाली वर्ब पे, राइट। सी, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब दो चीजें बताता है, या तो वो अवस्था बताएगा या तो वो एक्शन बताएगा। लेकिन ध्यान दो, वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि आप वर्ब चैप्टर के बाद टेंस जाओगे, और टेंस में क्या होगा, टेंस में आप जब स्ट्रेट अवे टेंस में जाओगे आप, तो टेंस में यही जो वर्ब है उसके ही फॉर्म्स आपके काम में आएंगे। तो अगर हम वर्ब के फॉर्म्स में चले तो V1, V2, V3, V1 ING और V1 SES, ये ठीक है। V1, V2, V3, V1 ING और V1 SES, ये पांच आपको फॉर्म्स रट्टा मारना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो V1 और V1 SES है ना, ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान डिनोट करता है। क्या करेगा, ये डिनोट्स प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों जो फॉर्म है वो वर्तमान डिनोट करेगा। अब V2 पास्ट डिनोट करेगा, ध्यान दो। लेकिन आप जो V3 लगाते हो ना, हैज के बाद भी V3 लगता है, हैव के बाद भी V3 लगता है, यानी V3 का हम यूज आपको बाद में बताएंगे। अभी तो फिलहाल V3 तो ठीक है, प्रेजेंट में भी V3 दिखता है और पास्ट में भी V3 दिखता है। V1 ING, आई एम टीचिंग, ये वर्तमान में मैं पढ़ा रही हूं। आई वॉज टीचिंग, मैं पास्ट में पढ़ा रही थी आपको, है ना। तो इसका मतलब है V1 ING भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आता है। गॉट इट। नाउ एज फार एज V1 ING इज कंसर्न, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट ऑल्सो। V3 प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में आएगा। देन वॉट टू यूज इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करें। अब इसी पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, मुझे जवाब दो पहले फटाफट जल्दी से। बताइए जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, कितने प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस दो प्रकार के होते हैं, अभी तक तीन पढ़ा है ना, तीन हम लोग बुक्स में लिखते हैं क्योंकि हमें पता है बच्चों को एक्सप्लेन कहां से करें बुक में, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ लो, है ना। थ्री टाइप्स, देखो अमित मुझे पता था थ्री टाइप्स का जवाब कितना दिया आपने, क्या दिया है आपने, टू टाइप्स लिखा, वेरी गुड नितिन। अमित ने थ्री टाइप्स लिखा है, सुमित ने भी थ्री टाइप्स लिखा है, यस आदर्श यू आर राइट, टू टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। क्यों, देखो प्रेजेंट के लिए आपके पास वर्ब है, पास्ट के लिए आपके पास भी वर्ब है, फ्यूचर में है कि आपके पास कोई वर्ब नहीं। कहोगे आई शैल कम कहते हैं, आई विल कम कहते हैं, भाई वो तो आपने मॉडल लगाया विल और शैल, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया बताओ तो, आई विल कम, कम कौन सा फॉर्म है उसमें, आई विल कम में कम कौन सा फॉर्म है, जल्दी बताइए नितेश, आप रॉन्ग हो चुके हो, थ्री टाइप्स नहीं होता, बताओ आई विल कम में कम कौन सा फॉर्म है। सुनो, आई विल कम में कम फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो बेस फॉर्म है। अब कहोगे बेस फॉर्म क्या है, तो देख रहे हो ये पांच तरह के वर्ब्स मैंने बनाए ना, ये पांचों वर्ब्स जो बना है वो बना है वर्ब का बेस फॉर्म से। दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, and from this base form of verb v1 v2 v3 v1 ing and v1 ses, sare forms of verbs bane hain,
भाई टेंस हो या आपकी लाइफ हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। फ्यूचर बना बनाया नहीं मिलता आपको, प्रेजेंट है, पास्ट बन चुका, फ्यूचर बनाना पड़ता है, चाहे वो टेंस हो चाहे आपकी लाइफ हो। आपके पास क्या है? तो मॉडल है। मॉडल क्या है? वो एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बगल में क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब का बेस फॉर्म। इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है आई शैल कम। अब बना फ्यूचर, गॉट इट? इसलिए टेंस भी दो प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, उसके सब टाइप्स हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर टेंस हम बनाते हैं। गॉट इट? अब आओ, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि वर्ब के फॉर्म्स क्या है। चलो, मुझे आपसे वर्ब के फॉर्म्स पूरा याद चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है, टेंस कैसे करोगे बिना वर्ब के फॉर्म्स के? क्या आप याद करोगे बैठ के कि अच्छा मैंने उसे देखा था, तो मैंने आई, देखा था मतलब पास्ट, तो पास्ट में सी का पास्ट टेंस क्या होगा? सॉ, आई सॉ हिम। स्पोकन में इतना टाइम नहीं है आपके पास, इसीलिए आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वर्ब के फॉर्म्स, याद करना है आपको। अब आइए, मैं वर्ब के फॉर्म्स पर क्यों जोर दे रही हूं? आज आपका फर्स्ट क्लास है, आज से लेकर वर्ब का पहला क्लास है आज आपका, आज से लेकर टेंस तक, जब तक टेंस शुरू ना करूं तब तक मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्लास में जो पढ़ा रही हूं, रिविजन करोगे, आपका होमवर्क रहेगा, वॉल्यूम वन में जाओगे और वर्ब के जितने फॉर्म्स है सब याद करोगे। टेंस के लिए तो नॉर्मल जो स्पोकन इंग्लिश के वर्ब से वो याद करोगे, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं वर्ब में, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं वो तो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? मैंने कहा था आजाद, देखिए आप फर्स्ट फॉर्म लिखे हो, है ना? मिथिलेश ने सही कहा है, बेस फॉर्म। ध्यान रखना, वर्ब के ये बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्म्स का यूटिलिटी क्या है, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा कि सारे वर्ब्स बनते हैं बेस फॉर्म से। बेस फॉर्म क्या है? देखो, आप चावल लेते हो, उसी से आप खीर बना रहे हो, उसी से खिचड़ी बना रहे हो, है ना? उसी से आप चीला बना रहे हो, उसी से आप घर में जो बॉइल्ड राइस खाते हो वो बना रहे हो। इसका मतलब है प्योर राइस से ही तो सारा बना। अब आपको अगर मैं कहूं ना ना कोई बात नहीं, आपका बॉइल्ड राइस और आपका जो कच्चा राइस है दोनों सेम है, आप मानोगे? कभी कहोगे नहीं मेरा जो कच्चा राइस रखा हुआ है हमारे गोडाउन में वो और जो पतीले में बॉइल्ड राइस है दोनों सेम है? नहीं है ना? तो फिर वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम कैसे हो गया? आइए, वर्ब का बेस फॉर्म, ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ये प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब होता है एकदम प्योर, जिसको मैंने कहा कच्चा राइस, और उसी से सारे फॉर्म्स बनते हैं। इससे बना आपका V1 और V1 SES। इन दोनों का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में। इन प्रेजेंट टेंस वी यूज V1 एंड V1 SES। दिस V1 इज प्लूरल वर्ब, सी इट इज प्लूरल वर्ब। दिस V1 SES इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है? पहले तो आप एक काम करोगे, इसको एक चार्ट के रूप में लिखना पड़ेगा आपको, एंड यू विल हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। कॉपी को सीधा मत लो, कॉपी को आपको अगर आप हॉरिजॉन्टली लोगे ना तो बेटर होगा। उसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टली लेने पर ना आप इनको लिखना आसान हो जाएगा आपको, है ना? क्योंकि बहुत लंबा चलेगा भी, क्योंकि आप देखो V1 वर्ब का बेस फॉर्म, SES का फॉर्म, फिर V2 में आएंगे, सब एक साथ सीरियली एक जगह लगाएंगे हम। देखो, अभी फिलहाल मैं इसकी यूटिलिटी नहीं बता रही, बस खाली लिखा है V1 SES और V1 का ये प्लूरल फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है। आइए V2 पास्ट फॉर्म है ना? अभी मैं और दिखाऊंगी आपको, पास्ट फॉर्म है।
V3 और लास्ट हो गया V1 ING। ठीक है, ये देखो, अब सुनो, ये जो वर्ब का बेस फॉर्म है ना, ये कहां कहां इस्तेमाल होगा और क्यों वर्ब का बेस फॉर्म की बात कर रही हूं मैं, पहले सबसे पहले मैं 2-3 छोटे छोटे वर्ड्स लगा दूं ताकि आप समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। चलो मैं गो लगा दूं, मैं स्लीप लगा दूं सेकेंड वर्ब, और एक और वर्ब है बी। ये 3 वर्ब लगाती हूं वर्ब के बेस फॉर्म में। वर्ब का बेस फॉर्म से हम शुरू कर रहे हैं कि हमने बेस फॉर्म में गो, स्लीप एंड बी लगाया। देखो, गो का बेस फॉर्म से जब फर्स्ट फॉर्म बनाए ना, तो गो ही रह गया। यहीं पर प्रॉब्लम है। यहां क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने जब गो, स्लीप और बी लगाया, तो वर्ब का बेस फॉर्म में हमने गो लिखा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में भी गो लिखा। बच्चों को लगता है V1 और वर्ब का बेस फॉर्म तो सेम है। सेम नहीं है। आ जाओ फिर से देखो, सिंगुलर वर्ब में ये गो का गोस हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम कहें सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप बॉय लगाओगे, सॉरी यहां पे नहीं, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट में बॉय लगाओगे, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। देखो, बॉयज के साथ गो लगाते हो। लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जो सिंगुलर वर्ब लेगा। बॉय का सिंगुलर फॉर्म बॉय है, तो बॉय गोस। देख रहे हो ध्यान से क्या है? अगर नाउन में एस लग गया तो वर्ब में नहीं लगेगा, और अगर नाउन में एस नहीं लगा तो वर्ब में लगा। ध्यान से देखो अंतर। नाउन में हम एस लगाएं तो प्लूरल हो गया, वर्ब में एस लगाएं तो सिंगुलर हो गया। गोस कैसे बना वो बाद में बताऊंगी मैं, ईएस क्यों लगा है। लेकिन ध्यान से देखो, नाउन में एस ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। इसका मतलब नाउन ओरिजिनली क्या है? सिंगुलर नाउन रहता है आपके पास, उसी का प्लूरल बनाते हो। लेकिन वर्ब में जब आप एस ई एस लगाते हो ना, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। यानी ओरिजिनली आपको जो वर्ब दिया हुआ रहता है वो किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में। आपको लग रहा है ना उल्टा चल रहा है दोनों? देखो, बोलो कोई क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट आओ, उसके बाद सोचते हैं, अच्छा स्लीप, तो स्लीप का भी तो स्लीप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक यही चक्कर में हम क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा हो तो गया, सब तो ठीक है। लेकिन अब आओ बी में। बी का ध्यान रखो, ये बेस फॉर्म बी है, लेकिन अगर आप प्लूरल फॉर्म कहोगे तो आर होगा, सिंगुलर फॉर्म कहोगे तो इसका इज होगा। इसका मतलब अब समझ में आता है डिफरेंस। ये जो बी है, ये अकेला बताता है कि इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, और एकमात्र एक सब्जेक्ट है आई प्रोनाउन जिसके साथ एम आता है। यहां पर आके हमें बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बीच में डिफरेंस समझ में आता है। समझ में आया? सो रिमेंबर, बेस फॉर्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म एंड ऑल अदर फॉर्म्स आर डिफरेंट फॉर्म्स। एंड व्हाट इज V1? इट इज द प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कम्स इन प्रेजेंट टेंस। देन व्हाट इज V1? S/ES, दैट इज सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे बॉय हो गया, बॉय के जगह पे ही लगा दिए हो गया, लड़की होती तो शी, नॉन लिविंग होता तो इट, एनिमल के साथ इट, कोई छोटा बच्चा होता उसके लिए भी इट लगाते हैं, यानी सिंगुलर के साथ। और ही, शी, इट तीनों का प्लूरल दे होता है, आई का प्लूरल वी होता है। इन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कहां पर? प्रेजेंट टेंस में। तो फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अभी मैं इसके यूज में आऊंगी।
ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ, वी टू में गो का हो जाता है वेंट, स्लीप का स्लेप्ट, और इज का वॉज, और आर का वर। ये है पास्ट। देन वी थ्री स्लीप गो वेंट, और ये वी थ्री होता है गॉन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। देख लो, पहला क्या कहा मैंने, गो, देन गोस, वेंट, गॉन, स्लीप स्लीप्स, स्लेप्ट स्लेप्ट, और बी का इज एम आर, वॉज वर, और बीन। तो वी वन आई एन जी क्या होगा, गोइंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, और बी का आई एन जी फॉर्म बींग हो गया। इसलिए बी का फॉर्म जो है, आपने जो लिखा था वो अकेला खाली थोड़ा सा लिख दिया था आपने, क्या है उसका, इज एम आर, वॉज वर, बींग और बीन, ये सारा फॉर्म्स बी का है। बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम है तो? कहां इस्तेमाल होता है वो अभी करेंगे। पहले ये देखो, अभी आपको समझ में आ गया होगा वर्ब का बेस फॉर्म और बाकी फॉर्म्स। इन्फिनिटिव पूछ रहे हो, इन्फिनिटिव तो नाउन बेटा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वो नाउन का काम करता है। यस सौरभ, आपने कहा ना इज एम आर, तो उसे मैंने कहा आप सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो बस। नितिन कौन से पेज में, देखो वॉल्यूम वन में आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 10 से लेकर 20 नंबर पेज तक आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मिल जाएंगे। ठीक है, रट्टा मार लो उसको। इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्प्रिहेंशन बाय नीतू सिंह, उसमें ये 10 पेजेस कर लोगे, सफिशियंट है। अब आइए, हम इतने फॉर्म्स याद क्यों करें, कहां काम आएगा? अब सुनो, इन सब का इस्तेमाल देखो कहां होता है। जानते हो ये जो वर्ब है, जैसे आपने इन्फिनिटिव कहा, ये वर्ब का ही फॉर्म है, नाउन का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें क्यों ना हम एक एक वर्ब का सारा यूज देख ले, कहीं पर कुछ भी मिसिंग ना हो। और इसीलिए आपको मैं एक एक एग्जाम्पल बोलूंगी, एग्जाम्पल अलग लिखोगे, और उसके बाद उसका जो यूटिलिटी है वो इसमें शामिल करोगे। ठीक है, सुनो मैं एक एक करके आ रही हूं। पहला, वर्ब का बेस फॉर्म में ध्यान दो। सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस कहूं बी हैप्पी, देखो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, गो अवे ये ऑर्डर है, देख रहे हो, ऑर्डर सजेशन। इस तरह के वाक्य कैसे होते हैं, मैं जब कहूंगी बी हैप्पी तो आपको नहीं कहूंगी यू बी हैप्पी, राइट? द रीजन, क्योंकि ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट सामने वाले को तो दोगे और किसको दोगे। सो रिमेंबर, ये जो है वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है, और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसका हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य, यानी आदेश देने वाले। लेकिन जान लो, आदेश हो या विनती हो, सजेशन हो, कमांड हो, है ना, ये सारे इसमें आते हैं। सो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का पहला यूज है इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। मैं एक एक करके
बता दूं आपको। ओके नेक्स्ट आओ, सेकंड यूज सुनो। सेकंड में आओ, आई विल बी हियर। अगर आप पूछोगे मुझे यहां कौन मिलेगा, तो मैं कहूंगी आई विल बी हियर। देखो विल के बाद बी लगाया, विल के बाद इज नहीं लगाया, है ना। मैंने कहा था ना फ्यूचर में एक विल शैल लगाने के बाद एक क्या वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और विल शैल क्या है, मॉडल है। अगर मैं विल शैल के जगह पे शुड वुड लगा दूं, कुड लगा दूं, मस्ट लगा दूं, इसका मतलब ये सब के बाद बी ही आएगा। दिस मीन्स आफ्टर मॉडल्स, और मॉडल्स के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने कहा आपको, विल शैल कैन कुड शुड, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, और वो मॉडल्स में पूरा कंप्लीट देखोगे। यानी मॉडल के बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। मैं ये बता रही हूं वर्ब का बेस फॉर्म कहां आता है। उसके बाद आओ थर्ड यूज क्या है इसका, आप ध्यान से सेंटेंस देखना। जा देखो तुम, गॉड ब्लेस यू, बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म बेटा। प्राची मैंने भी डिटेल में बताया, डिटेल में बता रही हूं मैं, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में यही डिफरेंस है। बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म है, कहां कहां आ रहा है वही तो मैं बता रही हूं, और वो सारे यहां लागू नहीं होंगे फर्स्ट फॉर्म में जो आपको बताऊंगी फिर मैं। गॉड ब्लेस यू ये क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक, इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। When you wish, when you pray, when you curse, go to hell, ये क्या है, curse है, कोई order थोड़ी है कि जहन्नुम में जाओ, ये एक curse है, go to hell, that means आपने go कहा। God bless you, देखो ना अभी कहा मैंने आपको ना singular subject के साथ singular verb आता है, देखो singular subject था तो इसके साथ तो blesses होना चाहिए था, blesses तो नहीं लगाया मैंने, लगाया bless तो कहोगे देखो ये है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगा दिया मैम, प्लूरल वर्ब नहीं है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल फॉर्म नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता, इसलिए ये क्या है, ये इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे पहचानोगे, उसमें आप विश, प्रेयर एंड कर्स ये देखोगे, विश प्रेयर और कर्स देखोगे इसमें, ठीक है। यस चंद्रशेखर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, लॉन्ग लिव द किंग, देखो लॉन्ग लिव द किंग, इसमें भी किंग अकेला है तो लिव्स होना चाहिए था भाई, उसका प्रेजेंट रूटीन थोड़ी बता रहे हो कि किंग बहुत दिन जीता है, कह रहे हो किंग बहुत दिन जिए। हम लोग इंडिया में प्रेयर करते थे लॉन्ग लिव द क्वीन, इतना हम लोगों ने लॉन्ग लिव द क्वीन कहा कि वो बचपन से मैं उसे बूढ़ी ही देख रही हूं, यानी वो बूढ़ी थी और हम इतने उम्र के हो चुके हैं अभी भी वो वैसे ही है, इसका मतलब वो मर नहीं रही है, वो अमर हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इतना गाया लॉन्ग लिव द क्वीन, यही यानी कि ये प्रेयर है एंड विश है। दिस मींस थर्ड यूज इसका कहां पे है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है,
लेकिन देखो इम्परेटिव सेंटेंस वापस आओ। इम्परेटिव सेंटेंस में मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूं, बी हैप्पी, रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट। इसका मतलब क्या कह रही हूं मैं आपको डायरेक्ट सजेशन दे रही हूं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बता रही हूं आपको मैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं बताते, ऐसे कहते हैं कि आई सजेस्ट दैट ही रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट। कहोगी ही सिंगुलर है तो रिमेन्स लगाइए, भाई वो रूटीन थोड़ी बता रहा है, कह रहा है कि मैं सजेस्ट कर रही हूं कि वो रिमेन प्रेजेंट रहे, यानी वो प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहता है नहीं, प्रेजेंट रहे। दिस मीन्स वो एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, वो थोड़ा सा घुमा के रिक्वायरमेंट बताया जाता है। उनको हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में, जिसको मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि ये मूड चैप्टर का पार्ट है। आप देखो वर्ब का बेस फॉर्म कहां आया, ये जो पहला है ना, ये फर्स्ट यूज जो है, ये आपका फर्स्ट यूज का ये दो एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स वाला जो था ये मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वाला जो था उसका मैंने ये आपको एग्जांपल दिया देखो, और ये लास्ट यूज जो बताया है, चलो एक एग्जांपल दे दूं, हालांकि अभी शायद आपको बहुत समझ में नहीं आएगा। चलो एग्जाम्पल लिख लो, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। जल्दी फटाफट उतारो, ये वर्ब का बेस फॉर्म बता रही हूं मैं अभी आपको। हो गया, क्लियर? देख लो वर्ब का बेस फॉर्म, अब इसको फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि दोनों सेम है, फर्स्ट फॉर्म कर दिया ना। देखो ये क्या बताया मैंने कि ये जरूरी है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे, ही के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ रहा है, एस ई एस वाला नहीं आ रहा, देखो वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है। अगर आप कहोगे ही के साथ देखो प्लूरल वर्ब आया, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कभी नहीं आता, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा वर्ब का बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर दिए, अब मैं सारा यूज मिटा दे रही हूं। समझ में आ रहा है क्यों मिटा दिया? क्योंकि अब मुझे इसके सारे यूज खत्म है, ये सारे यूज सिर्फ बेस फॉर्म के थे, फर्स्ट फॉर्म के नहीं है। क्यों? क्योंकि वी वन प्लूरल फॉर्म है, किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। कौन है प्लूरल सब्जेक्ट? बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, हो गया नाउन, प्लूरल नाउन, और दे, वी, और ये जो यू है ना, फॉर्म से सिंगुलर है लेकिन मीनिंग से प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल वर्ब ही हमेशा लेगा। आप अकेले को भी मैं यू कहूंगी, आप सबको भी यू कहूंगी, इसीलिए वो क्या करता है, फॉर्म से वो सिंगुलर प्लूरल लगता है, जैसे सिंगुलर है लेकिन मीनिंग से मैंने कहा क्या है, तो प्लूरल भी है। क्यों? क्योंकि आप अकेले के लिए भी हैं और आप
सबके लिए भी यू है। इसे देखने में यू लगता है सिंगुलर, बट इट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो वर्ब क्या लेगा? वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। वी, दे, यू और सारे जितने भी बहुवचन यानी कि जितने प्लूरल नाउन हैं, सबके साथ ये आता है। अब देखो कहां आता है, यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, कहां? इन प्रेजेंट रूटीन। व्हाट इज प्रेजेंट रूटीन? जो भी आप प्रेजेंट में करते हो, रूटीन क्या है? आप रेगुलर कॉलेज जाते हो, वो आपका रेगुलर रूटीन है। आप कभी कभार कहीं घूमने जाते हो तो आपका इरेगुलर रूटीन है। आप रोज 3 बार चाय पीते हो, वो आपकी हैबिट है, चाहे वो रेगुलर रूटीन हो, इरेगुलर रूटीन हो या आपकी हैबिट हो। प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप जो वर्ब का फॉर्म यूज करोगे वो V1 होगा और प्लूरल होगा। यू आर हियर, प्रेजेंट है आपका, आप यहां पर हो, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट का एग्जिस्टेंस भी बताएगा तो वो V1 बताएगा। यू गो टू कॉलेज एवरी डे, रेगुलर रूटीन बताएगा। यू गो टू मार्केट, समटाइम्स लगा दिए बीच में, आई समटाइम गो टू मार्केट, तो ये इरेगुलर हो गया। एंड हैबिट, तो ही ड्रिंक्स, ही स्मोक्स, ये क्या है? उसकी आदत है, ठीक है, क्लियर? बोलो। इसका मतलब आई गो टू स्कूल डेली, रेगुलर रूटीन। ही समटाइम्स गो टू कॉलेज, ही ऑफन कम्स हियर, इरेगुलर रूटीन, लेकिन रूटीन ही है। एंड ही ड्रिंक्स, ये इसका हैबिट है, वो भी इसका रूटीन है। प्रेजेंट रूटीन में हम ये इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन है? यही सब तो है। दिस इज V1, ठीक है। अब बताओ कहीं पर भी बेस फॉर्म और V1 दोनों को हमने एक किया? नहीं बेटा, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को भी भूल जाओ। मैं आपको तरुण ये मूड में पढ़ाऊंगी, इसके कितने यूजेस वो बता रही, ठीक है। उतार लिया? जल्दी उतारिए। अब आओ, हम लोगों ने V1 यानी कि प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब देख लिया। तो प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब मैंने कहा एस या ES लेता है। कब? सुनो, नाउन प्लूरल बनाने के लिए एस ES लेता है, वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए एस ES लेता है। लेकिन ES कब लेगा पता है? ऐसे तो एस लेगा, मैंने गो का ES लगाया था और प्ले में सिर्फ एस लगाती हूं। अगर नाउन या वर्ब एंड कर रहा है एस डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में, तो वो ई लेता है, ई एस लेता है, वो फिर ई एस लेता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों, लॉजिक क्या इसके पीछे? चलो मुझे बताओ, डबल एस में फिर से आप एस लगाओगे तो कभी भी इंग्लिश में ऐसा देखे हो कि ट्रिपल एस में कोई वर्ड है? ट्रिपल लेटर कभी देखा है आपने इंग्लिश में? नहीं देखा। अगर हम एस में सीधा एस लगा दें तो उसका कोई, ऐसे भी स निकल रहा था लास्ट में, लास्ट में फिर से हिसिंग साउंड वही निकलेगा, यानी कुछ डिफरेंस तो दिखेगा नहीं। सी एच के बाद चलो मैं एस लगा दूं, बेंच में, मान लो मैंने बेंच में कहा, ये नाउन है, मैंने कहा एस लगा दो। अब जरा बेंच में एस लगा के प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करो, यू वोंट बी एबल टू प्रोनाउंस इट। बेंच और एस नहीं निकल रहा है,
कोशिश करोगे तो बेंचेस निकला, बेंच एस निकल रहा है, बेंचेस यानी कि ईएस निकल रहा है ना। अगर मैं कहूं ऐसा देखो हीरो में तो बोल दे रही हूं मैं आराम से, हीरोस हो गया, फिर तो हीरोस नहीं है वो, हीरो है और उसमें प्रोनंसिएशन गलत हो रहा है, हीरोस अब लग रहा है सही। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं नाउन में, वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम तो अभी बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, हमने कहा ओ में खत्म हो रहा है तो ई एस लगाइए, है ना। फोटो में खाली एस लगेगा, पियानो में खाली एस लगेगा, इसीलिए इसके एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि माना जाता है इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया किसमें हम एस और किसमें ई एस लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म है तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। Used with, plural subject था, यहां पे हम singular subject करेंगे। ये boys था यानी boy girl हो गया, they था यानी he लड़के के लिए, she लड़की, और non living जानवर वगैरह के लिए it लगाते हैं। We नहीं, I के साथ नहीं आता है ये singular, I exception है। You के साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, और पीएन लिखा मैंने प्लूरल नाउन तो हम यहां लगा दे सिंगुलर नाउन, है ना। अब सिंगुलर नाउन में मैंने कहा बॉय, चलो सिंगुलर नाउन हो गया, राम यानी कि नाम हो गया उसका, तो ही शी इट नेम और सारे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कब, इन प्रेजेंट, वही है प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट रूटीन। और देखो इसकी और भी यूजेस है, और भी यूजेस है वी वन और वी वन एस सी एस के, लेकिन हम अभी क्यों देखें, अभी तो वर्ब पढ़ रहे हैं। जब हम याद करें वर्ब तो हमको खाली कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए कि प्रेजेंट में मेरा एग्जिस्टेंस बताए, प्रेजेंट में मेरा रूटीन बताए, तो हम वी वन एस सी एस लगा देंगे ही शी इट के साथ, मतलब मुंह से निकलना चाहिए ही गोस आई गो, ठीक है, दे कम शी कम्स, ऐसे मुंह से फट से निकलना चाहिए। अंडरस्टूड, क्या पूछ रहे हो संचित, क्या हो गया संचित का, देखिए क्वेश्चन। आई विक्रम, सुनो ध्यान से, मैंने यहां पे आई छोड़ा था, रीजन क्या है ना, आई के साथ एक तो एक्सेप्शन यूज करते हैं एम, पास्ट में सिंगुलर यूज करते हैं वॉज, पास्ट में वॉज सिंगुलर है, लेकिन जब हैव में आओगे तो प्लूरल वर्ब में आ गए। उसके बाद आई गो टू कॉलेज कहते हैं यानी वी वन में आ गए, आई डू नॉट कम यानी अगेन वी वन में आ गए। तो देखो यहां पे इतना प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये तो टोटल एक्सेप्शन है। आई इसलिए तो पंगा करता है, आई फॉर्म में सिंगुलर है, वर्ब देखो डिफरेंट यूज कर रहा है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस लिख के छोड़ते जाओ, क्लास के तुरंत बाद में पहले आपका क्वेश्चंस ही देख के आंसर करती हूं। बोलो समझ में आया, दोनों वी वन और वी वन एस ई एस सिर्फ इस्तेमाल कहां होता है, प्रेजेंट में, बताओ कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ वी टू में, पहले उतारो,
चलिए, इसको भी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने कहा पहले उतार लो। नाउ सी, आई वेंट टू कॉलेज या स्कूल डेली। मैं रोज कॉलेज जाया करती थी। मैंने आपको अपना पास्ट रूटीन बताया, लेकिन अगर वेंट की बात करें तो आई यूज्ड टू गो बेटर ऑप्शन होगा। आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज डेली। आप कहोगे तो वेंट क्यों लिखा, वो भी चलेगा, लेकिन जब तक मैं डेली तक नहीं पहुंची ना, तब तक मुझे पता नहीं था आई वेंट टू कॉलेज मतलब मैं गई कि मैं जाया करती थी। जैसे मैं पहुंची हूं डेली, दैट मीन्स अब समझ में आ रहा है that it is a routine action of past routine है। इसीलिए past routine में हम V2 लगा सकते हैं, लगाते भी हैं, लेकिन used to और to के बाद verb का base form आता है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। So remember, used to plus verb का base form is desirable, यानी कि more effective कह सकते हो, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। चलो, ये जो वर्ब का बेस फॉर्म लिखा है ना, आपने चार यूज डाला था ना वर्ब का बेस फॉर्म में, आप चाहो तो वर्ब के बेस फॉर्म में एक और लास्ट में यूज डाल सकते हो, टू इज फॉलोड बाय, ये चाहो तो लिख सकते हो। हालांकि जानते हो ये मैंने क्यों छोड़ा है, उसका रीजन ये है कि टू अगर प्रेपोजिशन होता है ना तो उसके बाद जेरंड आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, वरना देखो यहां पर आ गया, इसलिए मैं आपको करा दे रही हूं कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, एंड दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। वो अभी आप देख लो कि एक और यूज वर्ब का चाहो बेस फॉर्म का लिखना तो लिख सकते हो, आ जाओ, क्योंकि मैं ये आ गया ना इसीलिए मुझे वो बताना पड़ा। वर्ब के बेस फॉर्म में चाहो तो आप एक और यूज दिखा सकते हो कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और वो यहां पर दिख रहा है। दिस मींस अगर मुझे ये दोनों चॉइस में दे दें तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और अगर ये नहीं रहा तब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ सी सेकेंड में आओ। पास्ट एक्शन, अगर आप पास्ट की बात करोगे तो एक्शन की बात, अगर मैं डेली ना लगाऊं और सिर्फ कहूं आई वेंट टू कॉलेज, ये तो वी टू अपने आप में बता दिया दैट दिस इज पास्ट। इसने सीधा सीधा बता दिया दैट दिस इज पास्ट। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? यानी पास्ट एक्शन जो है ये वन टाइम एक्शन होगा, यानी देखो यहां पे कोई रूटीन तो नहीं दिख रहा है, पर व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट इंडिकेटिव, तो वो पास्ट इंडिकेटिव अगर जो कहोगे तो
तो देखो बात क्या है ना, ये जो मूड है पास्ट का, जो मूड है वो आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? देखने में तो पास्ट है ये, क्योंकि इसमें आप V2 इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बताएगा, इसलिए V2 खाली वॉस को छोड़कर जितने V2 है ना वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बताते हैं, वॉस नहीं आता। जैसे काश मैं डॉक्टर होता, देखो फर्स्ट का यूज मैंने बता दिया था डेली के साथ, इसका सेकंड का यूज हो गया ये, और थर्ड देखो आई विश, तो कहोगे आई के साथ तो वॉस आता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ तो वॉस अभी लगाया था, आई के साथ वॉस लगाया था आपने, यहां पे मैंने लिखा था वॉस, लेकिन इमेजिनेशन है काश मैं डॉक्टर होती, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन करता है। सो प्रेजेंट इमेजिनेशन जो करता है वहां पे भी आप V2 लगाते हो। V2 का इस्तेमाल हमें सिर्फ ये आता है, V2 का इस्तेमाल ये तो बाद में सीखते हैं, और ये इस्तेमाल तो हम लोग को जनरली पता ही नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, बताइए। मैं कॉलेज जाया करती थी, ये पास्ट रूटीन है, पास्ट रूटीन। ठीक है, सो हम लोगों ने V2 कर लिया। अब आओ V3, ध्यान दो इसके यूजेस देखो जरा। उतारिए फटाफट। लिख लिया, चलिए अब आओ V3 एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब है क्या? जब सब्जेक्ट सबसे आगे बैठा हुआ है और वो जब करता है काम ना, तो एक्टिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट सबसे आगे बैठा हुआ रहेगा, ध्यान दो। रिमेंबर, एक्टिव वॉइस में आप महसूस करोगे कि जो आगे बैठा हुआ बंदा है ना, वो ये काम कर रहा है, ये वर्ब कर रहा है, और करने वाला कौन होता है? अभी बताया था सब्जेक्ट होता है, आगे सब्जेक्ट बैठा हुआ है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव स्मोकिंग जानते हो ना क्या होता है? वहां पे वो बंदा स्मोक नहीं कर रहा होता है, बल्कि धुआं उसके फेफड़े में खुद चला जाता है ना। तो वो क्या होता है? ये काम ये बंदा कर नहीं रहा होता है, ये काम ये बंदा करता नहीं है, बल्कि ये काम इस बंदे पर हो जाता है ना। देखो
आरो का डायरेक्शन देखो, ये व्यक्ति ये काम कर रहा है और आगे बैठा हुआ व्यक्ति ये काम कर नहीं रहा, उस पर ये काम हो जा रहा है, यानी ये स्मोक नहीं कर रहा है बल्कि धुआं इसके फेफड़े पे जा रहा है, तभी तो पैसिव स्मोकिंग कहते हैं उसको, यानी ये पैसिव वॉइस है। ध्यान दो, अगर आपका सब्जेक्ट सबसे आगे हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना हो तो आपको हैस, हैव या हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होता है। तो ये एडजेक्टिव क्या है, मैं एक्टिव और पैसिव का एक एक एग्जांपल दूं, जैसे आई टीच इंग्लिश, तो इसका अगर मैं कहूं मुझे थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, और अगर मैं आगे करने वाला आई लगा रही हूं तो मैं थर्ड फॉर्म ऐसे ही नहीं लगा सकती, मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव टॉट इंग्लिश। अगर मान लो मैंने यहां हैव नहीं लगाया तो टीच का सेकेंड फॉर्म भी टॉट है, तो वो सेकेंड फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म दिखा तो तभी दिखेगा जब थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव या हैड कोई में से एक आएगा, आई के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस का एग्जांपल देखो तो यहां पर मैं करने वाली हूं, करता हूं, लेकिन इंग्लिश पर काम किया जा रहा है। अगर आगे मैंने ऑब्जेक्ट को बिठा दिया तो इंग्लिश इज taught by me, देखो verb का third form, English कौन है, करने वाला थोड़ी है, ये तो इस पर काम हुआ है, ये देखो ना ये तो object है, करने वाला यहाँ पे subject था, इस subject को उठा के मैंने तो पीछे बिठा दिया, तो ये जो third form है यहाँ पे देखो passive voice में, verb हमेशा third form में ही आता है, ठीक है। अब आओ, व्हाट इज एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव, चलो मुझे बताओ, स्पीक का थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखा रही हूं, तो क्या सिखा रही हूं आपको, मैं आपको रिटन इंग्लिश, यानी कि देख लो क्या कर रही हूं मैं आपको, रिटन थर्ड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, देखो अगर वर्ब एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, व्हाट इज एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषण का डेफिनेशन क्या था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये इंग्लिश भाषा का नाम ही तो है, नाम मतलब नाउन, अ कैसा इंग्लिश, तो बता रहे हैं रिटन इंग्लिश, कैसे इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कैसे इंग्लिश, गुड इंग्लिश, यानी कि मैंने आपको एडजेक्टिव के रूप में वर्ब का इस्तेमाल किया तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, ठीक है। ये मैंने आपको V3, देखो अब कहो कि आप वर्ब पढ़ा रहे हो कि एडजेक्टिव पढ़ा रहे हो, भाई जिसका जो यूज है हम पूरा बताएंगे ना आपको, मैंने आपको 5 फॉर्म्स कहे हैं तो सारे फॉर्म्स के सारे यूज बता दूं, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कहोगे कि मैम आपने तो V1 ING कॉन्टिन्यूस में कहा था और यहां तो नाउन है, मैं बता देती हूं कहां है नाउन और क्या है, आ जाओ अब V1 ING फॉर्म, ये सारे यूज खत्म, हटाऊं,
उतारिए फटाफट। हो गया। देखो वर्ब के रूप में कंटीन्यूअस एक्शन शो करेगा, जेरेंड ये नाउन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। उतार लिया। अब देखिए मैं आपको यूज दिखा दूं। पहला कंटीन्यूअस एक्शन शो करता है, आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूं। देखो मेरा कॉन्टिन्यूस एक्शन शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं कहूं आई वॉज टीचिंग, ये मेरा पास्ट का कॉन्टिन्यूस शो कर रहा है। आई विल यानी मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। आई विल बी टीचिंग, ये मेरा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस शो कर रहा है। दिस मीन्स कॉन्टिन्यूस एक्शन शो कर रहा है। देखो जेरेंड के रूप में आओ, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। देखो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। आप एक चीज मार्क करो इसमें कि इज यानी कि ये जो वर्ब है इसके पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे टीचिंग आ रहा है, और अभी बताया था आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है और नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे ही शीट वगैरह तो नहीं है, तो ये प्रोनाउन तो नहीं है, तो फिर क्या बचाइए? सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन भी तो आता है। दिस इज कॉल्ड जेरेंड। जेरेंड भी वी वन आई एन जी फॉर्म है। अब आओ अगर मैं ऐसा कहूं इंडिया के बारे में, स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश तो बन चुका वो स्पोकन इंग्लिश है, जो रिटन के लिए बन चुका वो रिटन इंग्लिश है, यानी जो पानी बॉइल हो के ठंडा हो चुका वो बॉइल्ड वाटर है, लेकिन अभी खोलता हुआ जो पानी दिख रहा है चूल्हे में वो क्या होगा? वो होगा बॉइलिंग वाटर। इंडिया अभी भी विकास कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री। देखो जरा इंडिया अभी भी विकास कर रहा है, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब कि वी वन आई एन जी एडजेक्टिव के रूप में भी तो आ रहा है। कैसे? यही तो नाउन है। वाटर मतलब किसी पदार्थ का नाम, तरल पदार्थ का, कंट्री मीन्स किसी देश का नाम। इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी वी वन आई एन जी तीन काम करता है, एक नाउन भी है, एक तरह का एडजेक्टिव भी है, और आपको टेंस में क्या पढ़ना है तो वी वन आई एन जी फॉर्म एस वर्ब। देख लो खाली वी वन आई एन जी वर्ब थोड़ी है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आई एन जी फॉर्म। इतने सारे फॉर्म्स का मैंने आपको यूटिलिटी बताया। अब पूछो क्वेश्चन क्या पूछना है। पास्ट पार्टिसिपल कहा ना बेटा, वी थ्री, जो हो चुका वी थ्री, हो रहा है वी वन आई एन जी, ठीक है ना, बन चुका थर्ड फॉर्म। जैसे आप बॉइल्ड राइस खाते हो, स्टीम्ड ईडी लगाया है, मोमोज खाते हो, लेकिन स्टीमिंग कप ऑफ टी, गर्मा गर्म चाय का प्याला जिसमें अभी भी भाप निकल रहा है, स्टीमिंग कहा, बॉइलिंग वाटर जो अभी भी हो रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री, अमेरिका खत्म हो गया, डेवलप्ड कंट्री है ना, जो खत्म, जो परफेक्ट रूप ले लिया है वी थ्री, हो रहा है आई एन जी फॉर्म। जेरेंड को कैसे पहचाने? अमित सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, वो नाउन है तो नाउन के प्लेस पे होगा। और कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? भाई ये नाउन के प्लेस पे नहीं होगा,
ये नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव के प्लेस पे होगा। अच्छा लड़का, गुड बॉय, बॉय को कह दिया कंट्री और गुड को कह दिया डेवलपिंग। देखो एडजेक्टिव के प्लेस में है ना। और पूछो, कौन सा समझ में नहीं आया? तरुण बेटा मूड मत समझो, अभी मूड मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं, मैंने आपको सिर्फ लिख दिया प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड और पास्ट का, इसीलिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रही थी कहां यूज होता है। आप मूड थोड़े दिन रुक जाओगी, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ये आपको देखो सीजीएल प्री के पहले कैसे खत्म कर दूंगे मैं। आकाश, प्री तो आपका मार्च में है, जो मार्च की बात कर रहे हो आप तो ध्यान रखो, आप पुराने बैच में एक्सेस मांग लो तब आपका खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखना एक चीज और, मेरा जो बैच है ना, हमेशा लेटेस्ट बैच कोशिश करो फॉलो करने का, क्योंकि मैं हमेशा हर बैच में जब, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर आपको तैयारी कराते रहती हूँ, तो क्वेश्चन पेपर जब तैयारी कराती हूँ ना मैं, तो मैं कोशिश यही रहता है मेरा कि लेटेस्ट बैच आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपने बैच का वो क्वेश्चंस चेंज करते रहती हूँ। ठीक है, कंसेप्ट तो काफी हद तक सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चंस चेंज होता रहता है मेरा। अभी आप देखोगे ज्यादा क्वेश्चंस कोशिश में रहती हूँ 2017-18 वाला क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको ग्रामर कराऊं। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब। अभी वर्ब क्लास चलेगा आगे काफी दिनों तक। मैं आती हूं, आपको एक शेयर किया गया होगा वोकैबुलरी का शीट, और ध्यान रखना ऐसे बहुत सारे शीट जो आपके साथ मेरा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए भास्कर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से, किसी एक्टिव पैसिव अभी बहुत बाद में होगा। ठीक है, बहुत बाद में होगा। पैसिव वॉइस में V1 कहां यूज किया बेटा? इंग्लिश इज थॉट कहा मैंने? किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा मुझसे। अब सुनो, नेक्स्ट हम लोग वोकैबुलरी में चलते हैं और वोकैब में हम एक एक शीट करेंगे, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट शीट में चलिए। मैं आज आपको कुछ चुनिंदा वोकैब कराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं ये देखो कि हम लोग क्लास में वोकैब कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपको 5-7 वर्ड पहले दिखाती हूं जो हम लोग करना चाहेंगे, ताकि आप समझ जाओ कि हम लोग क्लास में वोकैब कैसे करेंगे। मैं वो कैप के शीट के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूं अभी फिलहाल, इसीलिए ध्यान रखना। ये वोकैब अभी डिस्कस करेंगे।
आप इसमें समझ जाओगे कि मैं आपको क्या डिस्कस करना चाह रही हूं। पहले इतना वो कैप देखो, उतार लो फटाफट, देख लो। सुनो, पहला तरीका, हम कुछ वर्ड्स को हिंदी से जोड़ते हैं। अगर मैं कहूं बोली तो हिंदी से हम जोड़ सकते हो, बली से, हिंदी वर्ड से जोड़ दिया इसको, क्या बली। अब देख, जानते हो आप, जब भी आप बली बोलते हो तो आपके दिमाग में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति का, जैसे बाहुबली का ध्यान आता है, बजरंग बली का ध्यान आता है, जिनमें बल होता है, बस वही है, यही इसका मतलब है। दिस इज एडजेक्टिव। अब अगर मैं कहूं बर्ली वॉरियर, यानी योद्धा होता है, वॉरियर वॉर करने वाला, वॉरियर होता है योद्धा, तो इसका मतलब हो गया टॉल एंड स्ट्रोंग, स्ट्रोंग हो गया, आपको उसका शरीर में बल दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, एबल बॉडीड ये महसूस हो रहा है। तो हम इसका अंदाज लगा लिए, हिंदी से रिलेट कर लिए। मैं आपको ऐसे ही वर्ड सिखाना चाहती हूं जिसको आप इमेजिन करके अपने आप दिमाग में उसका एक छवि बना सकते हो। अब आओ, इसका प्रोनंसिएशन है नाइव, नेव नहीं है, ये है नाइव। अगर मैं फिर से इसको हिंदी से रिलेट करती हूं, नाइव ना आए तो आप नाइव कहलाओगे, आपको ना आए तो आप नाइव कहलाओगे। नाइव का मतलब होता है जिनको, जो कच्चा है। अब कहेंगे अगर तुम तो इस फील्ड में अभी कच्चे हो, कच्चे मतलब आपको कच्चा आम में हरा हरा आम ध्यान आ रहा है, सोचो खुद, ग्रीन महसूस हो रहा है, तो कच्चा में महसूस हो रहा है ग्रीन, तो ग्रीन हॉर्न वर्ड है जिसका मतलब है कि अभी आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। मैं आपको अभी बता रही हूं सिर्फ, क्यों मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करूंगी बाद में, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं आपको याद कैसे रखना है मीनिंग। मैंने कहा आपको नाइव मतलब ना आए, यानी तुम तो कच्चे हो, अभी अभी नया नया तो उगे हो, तुम नया नया ही तो आए हो इस फील्ड में, नया नया, जब भी नया देखोगे उसका एक रूट है जिसको कहते हैं नियो, तुम नया नया तो हो, नियो फाइट हो इस बाजार में, ठीक है। और जब आप कोई नए फील्ड में आते हो ना, तो आपके उसके वहां पर कैसे करप्शन होता है या कैसे पैसे बनाए जाते हो आप नहीं जानते हो, क्यों, क्योंकि आपको उस समय तक आप में कोई बुराई नहीं होता है। आप जब नए नए कहीं जाते हो ना, तो आप में कोई बुराई नहीं होता है, बाद में आप सीखते हो, यानी जब नए जाते हो तो आप में नो वाइस, वाइस मतलब होता है बुराई, लेकिन इसमें नो वाइस नहीं कहेंगे, इसको नोविस कहेंगे। और अगर खाली वाइस का मीनिंग पूछेगा ना, तो याद रखना बुराई, आप में कोई भी वाइस नहीं होता, आप नोविस होते हो। इसीलिए देखो ये सारा है कच्चा, इनएक्सपीरियंस्ड, अभी नया नया तो उगे हो, नियोफाइट हो, अभी आप कच्चे हो, आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप तो बिल्कुल मासूम हो भी, ये सारे नाइव के सिनोनिम है। अब देखो इसी का एंटोनिम है सीजन्ड। आप देखते हो कई बार अपने पेरेंट्स को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो, तो फादर आपको क्या कहते हैं कि मैंने कई वसंत देख रखे हैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, ये सारा डायलॉग रहता है, कई वसंत। वसंत क्या है, एक मौसम है, एक सीजन है, सीजन वो देख चुके हैं तो वो सीजन्ड हो चुके हैं। सीजन्ड का मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस्ड। देखो आप बहुत मास्टर बन रहे हो ना, देखो ध्यान से देखो किस तरह से मैं सिखा रही हूं, आप बहुत मास्टर बन रहे हो ना, आपके आगे है वो, आपको पार कर चुके हैं, आपकी एज को वो
पास्ट कर चुके हैं। आप अगर मास्टर बन रहे हो तो वो आपके पास्ट मास्टर है, ठीक है। एक रूट है एड्रॉइट राइट हैंड का। हम राइट हैंड से बहुत स्किल्ड होते हैं। इसका दो रूट है, एक तो एड्रॉइट और एक डेक्सटरस। ये दोनों राइट हैंड का रूट है दोनों, क्योंकि हम कहते हैं हम राइट हैंड से बहुत स्किल्ड होते हैं। तो डेक्सटरस और एड्रॉइट का मतलब ही होता है स्किल्ड। ऐसे भी तो याद रख सकते हैं कि भाई एंड्रॉइड ऐसा एड्रॉइड था कि नोकिया को बाजार से आउट कर दिया। क्या कहा मैंने? एंड्रॉइड ऐसा एड्रॉइड था, एक एन ही तो है जो अलग है। एंड्रॉइड ऐसा एड्रॉइड था कि नोकिया को बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये स्किल्ड पास्ट मास्टर, डेक्सटरस वेटरन, ये सारे सिनोनिम है सीजन्ड के और एंटोनिम है नाइव के। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ऐसे याद करने का तरीका होना चाहिए आपका। कैसे याद करा रही हूं देखो मैं, यानी एक तो मैंने कहा हिंदी से जोड़ दिया, एक मैंने कुछ कुछ सोचा कि आप में कोई बुराई नहीं, आप नॉविस हो, आप नए नए तो उगे हो इस फील्ड में, बिल्कुल कच्चे हो। देखो फादर कहते हैं मैंने कई वसंत देख लिए हैं, सीजन हूं मैं, तुम बड़े मास्टर बन रहे हो, मैं तुम्हारा आगे निकल चुका हूं, पास्ट मास्टर हूं मैं। एंड्रॉइड एड्रॉइड को जोड़ दिया मैंने, डेक्सटर आपका राइट हैंड का सिनोनिम है, वेटरन जब देखते हो बहुत एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स के लिए हम वेटरन वर्ड यूज करते है ना, तो ये सब सोच के आप बना सकते हो। उतार लिया? उतारो फटाफट, आगे करेंगे। थैंक यू चंद्रशेखर, राइजिंग फ्रॉम द फिनिक्स जो है ना, बिल्कुल कंप्लीटली आपके दिल्ली गवर्नमेंट पर है, अरविंद केजरीवाल पे। आप देखोगे उसमें बहुत मेहनत किया है मैंने आपके वॉल्यूम टू में। आ जाओ, नेक्स्ट चलो एक हम एक और तरीका सीखते हैं वोकैबुलरी में, और वो होता है एटिमोलॉजी का। एटिमोलॉजी एक तरह का विज्ञान है जो बताता है, जहां पर भी लॉजी आए ना समझ जाओ स्टडी। स्टडी किस चीज का? ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट। रूट से वर्ड को कैसे बनाया जाए वो सीखते हैं हम एटिमोलॉजी में। रूट से वर्ड को कैसे बनाया जाए वो हम लोग सीखते हैं एटिमोलॉजी में। आ जाओ कैसे, देखो कैकोफनी, कैको वर्ड जहां दिखे ना समझ जाओ बैड, जहां पर भी दिखे बैड। और ये फोन वर्ड से आपको पता ही चल जाता है, फोन मतलब फोन, फोन में तो साउंड ही सुनते थे ना हम लोग, तो फोन वर्ड हैज कम फ्रॉम साउंड। कैकोफनी इज क्या? वही शोरगुल, नॉइस, और क्या है ये, है ना, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, बिल्कुल आपको ऐसा शोरगुल जो अच्छा नहीं लगता, वो नॉइस होता है, शोरगुल होता है, दैट इज कैकोफनी। कैकोफनी इसका मतलब है, जैसे अगर मैं कहूं द कैकोफनी डिड नॉट लेट मी स्लीप, इतना शोर था कि मैं सो नहीं पाई। देखो कैको मींस बैड, कहीं पर भी कैको आए बैड होगा। अब क्याली जहां पर भी दिखे ना समझ जाना ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। और ग्राफी जहां पर भी दिखे, जैसे मैंने कहा लॉजी जहां दिखे समझ जाओ स्टडी है, ग्राफी जहां दिखे समझ जाओ ये रूट है राइटिंग का। अब देखो कैलीग्राफी एक आर्ट है जिसके द्वारा आपको ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग सिखाया जाता है कि सुंदर तरीके से कैसे लिखें। कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। देखो आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग।
टैली मतलब लिख लो ब्यूटिफुल, और ग्राफी मतलब लिखो राइटिंग, ठीक है। कनेक्शन लॉस्ट देख लो, चलो कैली इज ब्यूटिफुल एंड ग्राफी इज राइटिंग, क्या बना? आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। क्यों मैं आपको रूट सिखा रही हूं आपको पता है? अब अगर मैं आपको कोई दूसरा वर्ड दे दूं, क्या को ग्राफी, तो समझ जाओगे क्या को मीन्स बैड और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी बैड हैंड राइटिंग इज कैकोग्राफी। तो बैड स्पेलिंग भी कैकोग्राफी होता है, क्योंकि आपकी राइटिंग तक खराब मानी जाती है अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो या आपकी हैंड राइटिंग खराब। सो कैकोग्राफी इज बैड हैंड राइटिंग एंड बैड स्पेलिंग ऑल्सो, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग के लिए अलग वर्ड है ऑर्थोग्राफी। इसीलिए देखो मैंने तुक्का भी मारा तो भी सही हो जाएगा ना, इसीलिए रूट हम इसलिए सिखाते हैं कि तुक्का भी मारोगे तो रूट पकड़ के अगर आप तुक्का मार रहे हो ना तब भी सही होगा। सो रिमेंबर कैलीग्राफी इज ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग एंड कैकोग्राफी, तो मिला के बना दिया कैको एंड ग्राफी बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। नाउ कम टू बीटिफिक। देखो कई बार ऐसा होगा आपको महसूस होगा कि इसका तो समझ में नहीं आ रहा है ये वर्ड क्या है। चलो when India beat Pakistan we feel beatific, ऐसे याद रख सकते हैं ना। when India beat Pakistan we feel beatific, beat मतलब पीटना भी होता है तो beat का मतलब हराना भी होता है। देखते हो मैच में जब पाकिस्तान को इंडिया हराती है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत खुश होते हैं, तो वही तो beatific है, happy, ठीक है। देख लिया, ऐसे भी याद रखते हैं। When India beat Pakistan, we feel beatific. Beatific का मतलब happy. Happy का synonym एक और है gay, ठीक है, दूसरा gay मत समझ लेना। एक और है इसका beatific का ecstatic, इसका भी कोई रूट नहीं है। ये ऐसा रूट हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो एक या एक वर्ड में उसका रूट खत्म हो जाए, फिर जरूरत क्या है। हम ऐसे रूट ज्यादा पढ़ेंगे जो रूट से हमें कम से कम 3 से 4 वर्ड बनने में हेल्प हो। देख लो एक्सटेटिक, यूफोरिक, बीटिफिक, हैप्पी, गे, ग्लीफुल, है ना। ये सारे सिनोनिम हैं हैप्पी के। बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कभी हो कनेक्शन में आप बाद में वीडियो भी देख सकते हो, ध्यान रखना। अगर आप क्लास मिस कर गए बाय चांस तो भी बाद में वीडियो देख सकते हो। केडी लाइव में, केडी लाइव ऐप में मेरे सारे वीडियोस कंप्लीटली सिस्टमैटिक तरीके से सेव्ड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। देखो इसको सिखा दूं मैं, एक बच्चा में आ जाओ चाइल्ड में। आप महसूस करते हो चाइल्ड में आपको दो चीजें दिखती हैं, एक तो मासूमियत दिखती है और एक बचकानी हरकतें करते हैं वो, है ना, थोड़ी सी मूर्खता दिखती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है कहां कैसा व्यवहार करना चाहिए उनको नहीं पता होता है। तो अगर आपको वो मूर्खता दिखे ना तो आप चाइल्डिश के रूप में एडजेक्टिव लगाओगे। जैसे उसका, कोई भी ग्रोन अप व्यक्ति को कहूं मैं, उसका चाइल्डिश बिहेवियर मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर, इसका मतलब चाइल्डिश एडजेक्टिव है, बिहेवियर की विशेषता बता रहा है। और दिस इज फूलिश, स्टूपिड, इडियोटिक, ये सारा हो गया बचकाना से रिलेटेड। लेकिन आप कहोगे कि उसका मासूम मुस्कुराहट इज चाइल्ड लाइक स्माइल, चाइल्ड लाइक यानी कि इनोसेंट। देखो
मैंने दोनों को जोड़ दिया, एक तो बचकाना चाइल्डिश और मासूम चाइल्डलाइक, दोनों एडजेक्टिव है। मैंने कहा चाइल्डलाइक स्माइल एंड चाइल्डिश बिहेवियर। देखो चाइल्ड से जोड़ा, इसलिए मैं कह रही हूं कि ट्राई टू रिलेट इट। अगर आप रिलेट करके कोई भी एक पिक्चर दिमाग में बना लोगे ना तो याद रखना आसान होगा। ठीक है, जैसे मैंने बना लिया मैकबर्ड से मकबरा से बना लिया, ऐसा लगा जैसे कि थोड़ा सा अनप्लेजेंट सा, अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ी सी खराब सी फीलिंग आती है किसी के मकबरे के पास, तो वही अनप्लेजेंट तो मैकबर है ना। नेक्स्ट आओ पर्टर्ब। अब हम कभी कभी उसके साउंड से भी रिलेट करके बनाते हैं, पर्टर्ब डिस्टर्ब, पर्टर्ब डिस्टर्ब, टर्ब टर्ब, बस दोनों सिनोनिम है, देख लिया। आडल मडल बीफडल बनाएंगे आगे, ठीक है। एकॉर्ड कनकॉर्ड डिस्कॉर्ड, कुछ ऐसे वर्ड बनाएंगे। बेनिफिट पहुंचाने वाला फैक्टर बेनिफैक्टर, बेकार में जो ग्लोरी दिखा रहा है अपना भव्यता दिखा रहा है वेन ग्लोरी। सो रिमेंबर आप ऐसे जोड़ जोड़ के वर्ड बनाते हो, डिस्टर्ब पर्टर्ब। बोलो अब आओ ये वर्ड जेंटिल में, मैं इसको जेंटलमैन से रिलेट कर दूं। एक जेंटलमैन जेंटिल हो सकता है, अब ये क्या है? मैं जेंटलमैन को ऐसे सोचूं कि जेंटलमैन, तो जेंटलमैन आप जब सोचते हो ना तो आप कैप लगा के कोट लगा के किसी व्यक्ति को इमेजिन करते हो, है ना, वो जेंटलमैन का आउटवर्ड शो है। तो जेंटलमैन अंदर से कैसा होता है? पोलाइट होगा, डिसेंट होगा, यानी कि ये दोनों मीनिंग उसमें फिट होगा। अगर जेंटलमैन को अगर आप आउटवर्ड शो में दिखाओगे तो भी ये फिट होगा, और अगर इनवर्ड मीनिंग दिखाओगे तो भी ये फिट होगा। इसका दोनों लिखो, वो क्या मैं क्लास में करा रही हूं मनीष। इसके अलावा अगर करना चाहते हो तो आप सिर्फ सिनोनिम याद करोगे, एंटोनिम प्रैक्टिस करते हैं, और वर्ड मीनिंग याद करोगे वो क्या आपके वॉल्यूम वन में वो क्या सेक्शन से। बाकी यहां पर जो मैं करा रही हूं आपको बता रही हूं, सिर्फ आज एक हिंट बता रही हूं आपको कि आप कैसे याद रख सकते हो, कैसे कर सकते हो।
मैंने क्या कहा, जेंटलमैन में जेंटील क्वालिटीज दिखता है। देखो तीन बताया, जेंटील रिलेटिंग टू पीपल, जिसका हाई सोशल स्टेटस होता है, तो मैंने कहा कोट एंड कैप ये सब दिख रहा है आपको, आप महसूस कर सकते हो, या फिर वही दिखावा करना कि देखो मेरे मैनर्स बिल्कुल जेंटलमैन की तरह है, तो वो प्रिटेंड करने वाला भी जो क्वालिटीज होता है ना, प्रिटेंडिंग टू हैव क्वालिटीज एंड मैनर्स ऑफ पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस। और तीसरा पोलाइट क्वालिटी, मैंने कहा था अंदर से भी आप जो पोलाइटनेस में दिखाते हो आपको, तो क्या है वो भी तो जेंटिल है, ये एडजेक्टिव है। जेंटिल क्वालिटीज अगर मैं बोलूं तो इनमें से कोई भी क्वालिटी हो सकता है, या तो दिखावा कर रहा है, या तो उसमें है, या तो उसमें पोलाइट बिहेवियर का आपको दिख रहा है। अब आओ वेन, कभी कभी मैंने कहा कि आप एक सेंटेंस लिख के याद रख सकते हो, शी इज वेन इन वेन, देखो तुम, शी इज वेन इन वेन। वेन का दो मतलब है, अगर मैं कहूं वो घमंडी है और बिना बात का घमंड खाती है, इन वेन मतलब यूजलेसली, अगर किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी नहीं हो, बिना बात का घमंड खा रही है, कहते हैं ना, तो शी इज वेन इन वेन। याद रखना वेन का मतलब घमंडी भी होता है और वेन का मतलब बिना बात का भी होता है, इसीलिए एक वर्ड है वेनिटी, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब घमंड है, और एक है वेन ग्लोरी, इसका मतलब बिना बात का ग्लोरी, मतलब भव्यता, यानी यूजलेस शो ऑफ, पैसा वैसा है नहीं, बिना बात का दिखावा कर रहा है, वही वेन ग्लोरी है ना, वेनिटी मतलब घमंड। देखो घमंडी इसका घमंड और यूजलेसली यहां पे आया, इसलिए वेन का दो मतलब है, वेन मतलब घमंड और वेन का मतलब बिना बात का भी हो गया। सो देखो मैंने एक ही सेंटेंस में इसके दोनों मीनिंग बता दिया। अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं आखिरी में आती हूं आपको समझा दूं इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे करेंगे। कई इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे तो कहानी है, जैसे एडम एंड ईव की कहानी है कि ईव ने कहा कि भगवान का कहना है पूरी ऐश करो, जो मर्जी है, जो खाना पीना है वो आप स्वर्ग में कर सकते हो, बस ये सेब मत खाना। अब उस सेब में ऐसा क्या है जो भगवान ने मना किया हुआ है? अब महिलाओं का दिमाग में तो कुछ ना कुछ खुराफात रहता है। ईव ने कहा मुझे खाना है, यही सेब खाना है। एडम भी प्यार में तो सारे लड़के का दिमाग पैदल ही हो जाता है। एडम ने कहा ठीक है, जैसे उसे एक कटा खाया, देखते हो एप्पल का आईफोन जो है एप्पल का, उसमें देखते हो एक तरफ से कटा हुआ है, वही है जो काटा गया था, बस एप्पल का एक जैसे उसने कटा काटा ही, वैसे ही भगवान आए और कहे कि सिर्फ ये एप्पल कहा था और तुम लोगों ने इस एप्पल को नहीं छोड़ा, सिर्फ यही मना किया था, जाओ अब धरती पर और जाके अपने सारी जिंदगी अपने कमाओ, अपने बल पे गुजारा करो। तो यही कहा कि सारी फसाद की जड़ कौन था? वो एप्पल था। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना, डिस्कॉर्ड का मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा, सारा फसाद का जड़ हुआ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसा देखते हो बोन ऑफ कंटेंशन, सेम मीनिंग निकलता है उसका। एक हड्डी जिसके पीछे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, तो वो बोन ही तो है जिसके पीछे दो फसाद चल रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कॉज ऑफ क्वारल, फसाद की जड़। देखो कहां से बना है ना, क्लास में करवाएंगे नितिन, लास्ट का आधा घंटा आपका वो क्या होता है। अब आओ टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, अगर आप खुद सोचो बुल का मतलब क्या हुआ, सांड, कितना भारी भरकम, 500 केजी से ऊपर का है, ठीक है, और बहुत ज्यादा तेज होते हैं वो, उनके सींग बहुत लंबे होते हैं और बहुत खतरनाक होता है। अब किसी बुल को बाय द हॉर्न, उसके हॉर्न से ऐसे पकड़ा तो क्या किया, उसके सामने आए
और वो जो मुसीबत है उसको उसके सिंग से मैं पकड़ रही हूं। इसका मतलब है इतनी बड़ी मुसीबत और ऊपर से सामने से उसका सामना कर रही हूं। वही है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, यानी टू कन्फ्रंट। देखो फ्रंट से सामना करना इस कन्फ्रंट है ना, सामना करना अ प्रॉब्लम, क्योंकि बुल क्या है, मुसीबत ही तो है, और उसका सामने से मुकाबला कर रहे हैं। टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम, idioms एंड phrases ऐसे ही हम इमेजिन करेंगे या फिर उसके पीछे जो स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। यही तरीका है वोकैबुलरी जिससे मैं कराती हूं, क्योंकि रटना और फिर भूलना वो आपका काम है। आपको वो रिटेन कैसे करवाना है उतना मेरा काम है। तो जो रिटेन कराया जा सकता है वो सारे वोकैब मैं क्लास में कराऊंगी, ठीक है। आपका क्लास चलेगा 5 से 7, 5 से 6.5 ग्रामर चलेगा, 1.5 घंटा ग्रामर चलेगा, और उसके बाद जो 30 मिनट्स बचता है 6.5 से 7 वो वोकैबुलरी चलेगा। कभी कभी आप देखोगे वोकैब की जगह पे हम आपको क्लोज टेस्ट पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट ये करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे क्वेश्चन बताइए, क्या क्या क्वेश्चन था इन लोग का। कोर्स ड्यूरेशन अराउंड 6 मंथ्स लग जाएगा संजय, मैंने कहा आपको अराउंड कितने वो क्या क्लास में कराऊंगे मैं, करीबन 3000+ वो क्या तो खाली शीट से हो जाएगा, उसके अलावा ग्रामर वगैरह में वो क्या होता रहता है। याद कैसे रखे मनीष, याद रखने का तरीका तो मैं बता रही हूं। नितिन वॉल्यूम 1 में आप सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और idioms एंड फ्रेजेस करोगे, ठीक है, चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं पीछे। उसके बाद अनिकेत फिर तो आपको प्रॉब्लम है, आप देखो ठीक से, मैं आपको जैसे करवा रही हूं वैसे करोगे। नीचे चलिए, एक मिनट, बैकअप वीडियो लोड हो जाता है 24 आवर्स में। नीचे ऑफकोर्स प्रदीप, मेरी पूरी कोशिश है आपको फुल मार्क्स मिले, और इसलिए मैं कह रही हूं लोगों को 200 में 200.25 आया है बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन, इसलिए हो जाएगा। नीचे कुलदीप, जेरन क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। और नीचे आपका होमवर्क फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, आपका होमवर्क रहेगा वॉल्यूम 1 से 10 से लेकर 20 नंबर पेज तक सारे वोकैब जो सॉरी सारे जो वर्ब के फॉर्म्स है वो याद करने हैं। एक्टिव पैसिव बहुत बाद में होगा, आपका वर्ब एडवांस खत्म होता है फिर एक्टिव एंड पैसिव करते हैं। नीचे एक सेकेंड, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे भास्कर, बिल्कुल बेसिक से, एकदम निश्चिंत रहो। ड्रिवन बाय पॉवर्टी का मतलब है कि पॉवर्टी ने उसे मजबूर कर दिया। चंद्रशेखर थैंक यू, अशोक वर्मा और नीचे एक सेकेंड को, एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का v1 ing फॉर्म को अगर एडजेक्टिव के रूप में लेते हो ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और एडजेक्टिव अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में लेते हो तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। एक सेकेंड, क्या कर रहे हो, नीचे करो। आई एक्सेप्शन है बेटा, आप मूड को अभी नहीं देखोगे, नीचे चलो। एक सेकेंड, इंग्लिश में अशोक बिल्कुल आप सबसे पहले जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे करो, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बैच ज्वाइन कर लेना। और नीचे प्रदीप का कुछ प्रॉब्लम है लैंडस्केप मोड में, उसका देख लो क्या प्रॉब्लम है। मे गॉड ब्लेस यू भी चलता है सिंघम, तरुण सिंघम, लेकिन ध्यान रखो मैंने आपको मे लगा दू ना, तो मे तो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने मॉडल को हटा के आपको बताया, ठीक है।
यू कैन गो नाउ का मतलब अब आप जा सकते हो, आप परमिशन देते हो तो आप कैन और मे दोनों लगाते हो. बेटर होता है मे लगाना परमिशन के लिए अगर आप मॉडल की बात करोगे तो. इन्फिनिटिव 2+ verb का बेस फॉर्म है और ये नाउन है. इनफैक्ट जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन का काम करता है. मैम कम का बेस फॉर्म, यस मैंने कहा कम छोड़ो ना यार, बी छोड़ के सारे सारे वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होता है. लेकिन डिफरेंस देखो, आपको बता दिया मैंने कि वर्ब का बेस फॉर्म कहां आता है और फर्स्ट फॉर्म कहां आता है. और नीचे एक सेकेंड नितिन, ट्रू बिल्कुल आपका पूरा साथ मैं दूंगी फ्यूचर बनाने में. नीचे और बस समझ में आ गया. किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो ना, अगर आप चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछोगे मेरी नजर पड़ेगी तो मैं तुरंत जवाब दूंगी. लेकिन ध्यान रखना अगर आप कहीं और से क्वेश्चन पूछ रहे हो जो ग्रामर का कोई दूसरा भाग है उससे क्वेश्चन पूछोगे तो बस क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, मैं क्लास खत्म करते ही आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच.